स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस टू की अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए 2 फरवरी से आपका 12th का जो पेपर स्टार्ट हुआ है उनके लिए टाइम टेबल जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका एग्जाम का जो है वो डेट अनाउंस हो चुका है, जो भी 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं, 20 नहीं 2021 वाले, ठीक है, 2021 में जिन्हें एग्जाम देना है उनके लिए आपके लिए जो है एग्जाम का डेट आ गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12th क्लास को कवर करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको ऑलरेडी 10th क्लास का एग्जाम का शेड्यूल टोटल आपको बता चुके हैं कि 10th क्लास का एग्जाम कब से होगा। तो आपको बताए थे कि 10th क्लास का एग्जाम जो है वो 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा 10th क्लास का। वहीं पर 12th क्लास का आपका 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए पूरा टाइम टेबल हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अभी वाले वीडियो में हम आपको 12th का कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टडी प्लस टू को, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे MCQs करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है ना वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसीलिए एग्जाम में अच्छे नंबर अगर लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए तो अब हम आपको बता देते हैं कि 12th क्लास का एग्जाम का डेट जो है वो कब से है। सबसे पहले बात करेंगे 12th क्लास का एग्जाम का डेट 2 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है 2021 में, जो कि ट्यूसडे है। तो इस दिन देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एक पेपर होगा आपका, एक आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा, 2 शिफ्ट में यहाँ पे पेपर जो है वो आपका होगा। तो दोनों शिफ्टों को आप बिल्कुल आराम से समझ लीजिएगा, 2 शिफ्ट में आपका जो है पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो पहला शिफ्ट है उसमें आपका फिजिक्स होगा, और सेकेंड शिफ्ट में देख सकते हैं 3 पेपर है, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और आरबी हिंदी, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा 3 तारीख को देखिए आईएससी वाले का भी, आईए वाले का भी है, आईएससी वाले का मैथमेटिक्स है और आईए वाले का भी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे बाकी यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड शिफ्ट में आईए वाले का ज्योग्राफी है और इंग्लिश है, ठीक है ना, वोकेशनल वाले का इंग्लिश है। इसके अलावा 4 तारीख को देखेंगे तो आईएससी का है केमिस्ट्री और आईए का है इंग्लिश। 5 फरवरी को आईएससी का है इंग्लिश और आईकम का है इंग्लिश, और वहीं पर आईए का सेकेंड शिफ्ट में हो जाएगा हिस्ट्री और वोकेशनल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 6 फरवरी को देखा जाए तो आईएससी का है बायोलॉजी और फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में आईए का हिंदी है। वहीं पे 8 फरवरी को देखिएगा तो आईएससी का क्या है, हिंदी है, और आईकम का हिंदी है, लेकिन आईए का सेकेंड शिफ्ट में जो है वो इकोनॉमिक्स है और वोकेशन जो होते हैं वोकेशनल, इसमें आपको ये देख सकते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 2 का, ठीक है ना। और 9 तारीख को आईएससी का एग्रीकल्चर होगा और आईए का सेकेंड शिफ्ट में आपका फिजियोलॉजी होगा। तो ये तो हो गया 9 तारीख तक। 9 तारीख की अगर आगे हम लोग बात करेंगे 10 तारीख से, यहाँ पे 11 सीट वाले में हमको बात करना पड़ेगा 10 तारीख वाले में। तो देखिए 10 तारीख को आपका आईएससी का भी पेपर है और आईकम का भी है, आईए का भी है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आईएससी का उर्दू वाले का, ठीक है, या मैथिली वाले का, जो भी इसमें से लेते हैं भोजपुरी, और आईकम का जो है वो उर्दू मैथिली वही वाला हो गया, और आईए का भी उर्दू मैथिली वही वाला हो गया, मतलब तीनों का वही है। और जबकि अगर इधर हम लोग देखेंगे 10 तारीख को तो आईए का आपका फिजियोलॉजी है और आईकम का आपका क्या है, इकोनॉमिक्स है। वहीं पे 11 तारीख में देखिए आईएससी वाले का जो है NRB ओनली इन द ओल्ड पैटर्न वाले के लिए, यहाँ पे इसको पूरा आईकम का देख लीजिए वही NRB है और आईए का भी NRB है। और जो वोकेशनल है, जैसे जिनका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, मैथमेटिक्स होगा, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे वोकेशनल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सारा का सारा वोकेशनल आपको लगभग यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर हम लोग फाइनली बात करें तो एक आपका सेकेंड शिफ्ट में जो होगा वोकेशनल का होगा, जो कि फंडामेंटल कोर्स का होगा, ठीक है ना, फाउंडेशन कोर्स का होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 12 तारीख में आ जाएंगे, 12 तारीख में, तो 12 तारीख का जो आपका पेपर होगा 10-11, और यहाँ पे 9 तक था, यहाँ पे आपका 12, ये वाला 11 तारीख वाला तो आप देख लिए होंगे। एक बार इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जो है पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा सभी का। और 12 फरवरी को आपका आईकम का भी है, आईकम का भी है, आईएससी का भी है, आईए का भी है। आईएससी में MB अल्टरनेट इंग्लिश वाला पार्ट रहेगा, आईकम में MB अल्टरनेट इंग्लिश वाला पार्ट रहेगा, और आईए में आपको जो है वो MB अल्टरनेट इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो आपका रहेगा। और इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड आपका फंडामेंटल कोर्स था, यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा, जिस सब्जेक्ट को आपने क्या किया था, इलेक्ट किया था। इसके बाद यहाँ पे 13 अगर हम लोग फरवरी की बात करेंगे तो आईएससी का पेपर है, आईकम का है, आईए का है,
आईएससी में कंप्यूटर साइंस रहेगा, आईकॉम में आपका कंप्यूटर साइंस और मल्टी मीडिया वेब कोर्स टेक जो है वो है, और यहाँ पे आईए की बात करेंगे तो योगा, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे। कब? तो 13 तारीख को ये सारे एग्जाम है, जबकि सेकेंड शिफ्ट में आप देखेंगे तो अकाउंटेंसी का है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा टाइम टेबल है 12th क्लास का। और जो भी इस चैनल के साथ नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे गेसिंग क्वेश्चन हम देंगे जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे और आप आराम से एग्जाम निकाल भी पाएंगे, अच्छा नंबर भी आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टडी प्लस टू को। तो इसका PDF हम आपको टेलीग्राम लिंक पे भेज देंगे, वहां से आप ज्वाइन करके सब PDF आप ले सकते हैं। तो कल मिलेंगे, ठीक है ना, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।